दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करेंगे 10 मर्मेड्स हॉलीवुड मूवीज को। ये सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है, तो आसानी से जाके आप डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं इन मूवीज को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों हमारी फर्स्ट नंबर मूवी है हैरी पॉटर एंड द गोब्लिंट ऑफ द फायर। ये मूवी है 2005 में। ये एक एडवेंचर फैंटेसी फैमिली मूवी है। ये मूवी हैरी पॉटर सीरीज का चौथा पार्ट है। इस मूवी में हैरी पॉटर चौथे साल में हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ रहा होता है और उस साल में एक टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में हर एक स्कूल की टीम को चुना जाता है। इस प्रतियोगिता में हॉगवर्ट्स में रॉबर्ट पैटिनसन को टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है, पर इसके साथ हैरी पॉटर्स को भी जबरदस्ती इस टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है। इस टूर्नामेंट में बहुत ही खतरनाक तरह के स्कूल आते हैं जो कि हॉगवर्ट्स को बात करके रख देना चाहते होते, खत्म करके रख देना चाहते होते हैं। और इस मूवी में आपको मर्मेड्स भी देखने को मिल जाए। एक ऐसा स्कूल आता है जिसमें पानी के अंदर रहने वाले जीव दिखाई गए हैं, पानी के अंदर रहने वाली मर्मेड्स दिखाई गई हैं। मूवी बहुत ही कमाल की, जबरदस्त है, आपको बहुत पसंद आने वाली मूवी। इस मूवी को रेटिंग मिली 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी है द लिटिल मर्मेड। ये मूवी आई 1989 में। ये एक एनिमेशन फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में एक लिटिल मर्मेड होती है जिसका नाम होता है एरियल और उसके पिताजी पूरे के पूरे समुद्र के सम्राट होते हैं। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही होती है जब तक कि उसके पिताजी की मृत्यु नहीं हो जाती है। फिर एक दिन उसे एक ह्यूमन मिलता है, एक इंसान मिलता है जिसके साथ वो दोस्ती करती है और आगे चल के उसे प्यार भी हो जाता है उस इंसान से ही। फिर उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। ये मूवी खासकर बच्चों के लिए बनाई गई। इस मूवी दिखाया यह गया कि पानी के अंदर जीव कैसे रहते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, यह सब इस मूवी आपको देखना पड़ेगा। और आप भी इस मूवी को देखिए, इंजॉय करें, बहुत ही कमाल की मूवी है। 90s की इस मूवी को देखने बाद आपको अपना बचपन याद आने वाला है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों अगर आपको भी अपने बचपन की याद ताजा करनी तो मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी चाइल्डहुड मेमोरीज ऑल टीवी कार्टून शो के ऊपर, जिसमें 90s के कार्टून शो के बारे में दिखाया गया है। बहुत ही कमाल के अमेजिंग कार्टून शो है उसमें, तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है एक्वामैन। ये मूवी है 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में समुद्र के अंदर पानी में अलग ही दुनिया रहती है। वहाँ पे एक पागल राजा होता है और वो धरती पर भी हमला करके वहाँ पे भी अपना राज करना चाहता होता है और इसके सामने आता है एक ही आदमी एक्वामैन, जो की आधा इंसान और आधा पानी में रहने वाला इंसान होता है और साथ ही राजा का सौतेला भाई भी होता है और सबसे बड़ा होता है, तो वो राजगद्दी का हकदार भी होता है। कैसे ये उस पागल राजा को हरा के अपनी राजगद्दी को वापिस लेता है, ये आपको आगे मूवी में देखना पड़ेगा। ये सुपर हीरो बेस्ट मूवी तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। मूवी में आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को मिल जाएंगे जिसके देखने बाद आपका दिमाग हिल जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है इस मूवी को देखते टाइम। इस मूवी को रेटिंग मिले 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है पीटर पैन। ये मूवी है 2003 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में एक फैमिली की कहानी दिखाई है जिसका नाम होता है डार्लिंग फैमिली और इस फैमिली के बच्चों को पीटर पैन नाम का एक लड़का नेवरलैंड नाम की एक रहस्यमय जगह पे ले जाता है और उसमें उस जगह पे लड़ाई चल रही होती है। पीटर पैन और डार्लिंग फैमिली के बच्चे वहां पे आगे क्या करते हैं, ये आपको आगे मूवी में देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही कमाल के, जबरदस्त है और हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारी फिफ्थ मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और स्ट्रेंजर टाइड। ये मूवी है 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का चौथा पार्ट है। इस मूवी में जैक स्पैरो एक झरने की तलाश करता है जिसको पीने के बाद कोई भी इंसान पूरी उम्र के लिए जवान रहता है, अमर हो जाता है वो। और इसमें उसका साथ देती है उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और कुछ डाकू लुटेरे जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसको मारने के लिए उसके पीछे बहुत से दुश्मन भी आते हैं। इस झरने को ढूंढने के लिए जैक स्पैरो को एक जलपरी के आंसू की जरूरत होती है। जैक स्पैरो इस झरने को ढूंढ पाता ये नहीं है, आपको आगे मूवी देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही कमाल की, जबरदस्त है और हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी में आपको बहुत से डाकू लुटेरे भी देखने को मिल जाएंगे और जलपरी भी देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। मूवी बहुत ही कमाल की है और हिंदी में अवेलेबल है, आपको बहुत ही पसंद आई मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb से। दोस्तों हमारी सिक्स मूवी है बार्बी द पीटर प्रिंसेस। ये मूवी 2014 में। ये एक एनिमेशन फैमिली मूवी है। इस मूवी में मर्मेड बार्बी की कहानी दिखाई गई है जो कि समुद्र के अंदर रहती होती है, जिसके पास जादू शक्तियां होती है जिससे कि वो पीरियल को कंट्रोल कर सकती है। पीरियल एक मोती होता है जिसके वजह से पानी के अंदर रहने वाले जीव जिंदा रह पाते हैं और वो अपनी आंटी के साथ रहती होती है। तो अब आगे अपनी शक्तियों कैसे कंट्रोल करना सीखती है आपको आगे मूवी में देखना पड़ेगा। इन शक्तियों के कारण बहुत से दुश्मन भी बन चुके होते हैं। मूवी बहुत ही कमाल की अमेजिंग मूवी है, वो बहुत ही पसंद आने वाली मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb से।
दोस्तों हमारी सेवेंथ मूवी है द मोमेंट। ये मूवी 2016 में एक कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक मोमेंट की, एक जलपरी की, जो कि आधी इंसान होती है और आधी मछली होती है, जिसको कि एक बिजनेसमैन मारने का काम दिया जाता है। वो बिजनेसमैन एक प्लेबॉय होता है। क्या वो उस प्लेबॉय को मार पाती या नहीं मार पाती, ये आपको आगे मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी में आपको बहुत से रोमांटिक सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो और ये एक बेस्ट चाइनीज फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिले 6.0 अप टू 10 IMDb से। दोस्तों मैंने एट्थ मूवी है लेडी इन द वाटर। ये मूवी 2006 में, ये एक ड्रामा फैंटेसी मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी कहानी दिखाई है इंसानों और पानी में रहने वाले जीवों की, जिससे कि इंसान बहुत ही लालची होता है, पानी में रहने वाले जीवों का शोषण करता है, उसे अपनी जरूरतों को पूरी करता है और पानी में रहने वाले जीवों को मार देता है। पर फिर भी पानी में रहने वाले जीव उनकी इंसानों की मदद करते हैं। इससे बहुत सालों बाद एक दिन एक शहर में स्विमिंग पूल के अंदर एक लड़की मिलती है, परंतु दरअसल ये लड़की एक लड़की नहीं होती है, एक जलपरी होती है और वो अपनी नीली दुनिया में वापिस जाना चाहती होती है। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मिस्ट्री से भरी पड़ी है। मूवी में आपको ये देखना है कि जलपरी इंसानों की दुनिया में कैसे आती है और क्या करने आती है, और क्या वो अपनी नीली दुनिया में वापस जा पाती है नहीं जा पाती, ये आपको आगे मूवी देखना पड़ेगा। ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली और मिस्ट्री से भरी पड़ी है मूवी। दोस्तों हमारी सेकंड लास्ट मूवी है ए मोमेंट टेल। ये मूवी है 2017 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैमिली मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से, जो कि समुद्र के पास जाती है। उसे वहाँ पे मिलती है एक मोमेंट, एक जलपरी। इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो जलपरी समुद्र से निकल कर अपनी दुनिया से निकल कर रियल की दुनिया में आ जाती है, इंसानों की दुनिया में आ जाती है। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और आगे चलकर क्या क्या मस्ती करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, ये आपको अब मूवी देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही कमाल की है और हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। दोस्तों मैं लास्ट मूवी है द लिटिल मोमेंट। ये मूवी है 2018। एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी कहानी शुरू होती है एक रिपोर्टर से। उस रिपोर्टर को एक दिन पता चलता है कि उसकी भतीजी एक जलपरी है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपनी भतीजी को ऐड करके रख लेता है। वो बहुत ही लालची होता है, जिसके जरिए वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। पहले उस जलपरी की लाइफ बहुत ही मजे में कट रही होती है, बहुत ही इंजॉय करती है, मस्ती करती होती है। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है और उस रिपोर्टर के चंगुल में वो फंस जाती है। क्या वो उस रिपोर्टर के चंगुल से बच पाती है नहीं बच पाती, ये आपको मूवी आगे मूवी देखना पड़ेगा। मूवी बहुत ही जबरदस्त है, कमाल की है। यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और फ्यूचर में ऐसी वीडियो और देखनी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड एंजॉय करो यार अपनी लाइफ में और मूवीज को देख के।